जाएगा ना भिड़ो। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली पबजी की तरफ से अब कुछ ऑफिशियल अपडेट देखने को मिला है। अगर आप सब लोग वेट कर रहे थे तो बस लगभग वेट जो हमारा वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुका है। तो अभी जो इसका नेम है वो चेंज हो चुका है। अब इसका नेम पबजी मोबाइल इंडिया नहीं रहा, इसका जो नेम है वो चेंज करके बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया कर दिया गया है। जी हाँ, अब इसी नेम से अब आपको ये गेम मिलेगा और ये एक तरीके से ऐसा रहेगा कि ये नया गेम है, इससे पबजी का लेना देना नहीं है। जबकि अंदर जो इसका कॉन्टेंट होगा वो लगभग सेम ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे क्योंकि ये स्पेशली इंडियन वेरियंट है और ये सिर्फ इंडिया वालों के लिए बनाया गया है। तो अभी जो इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का, उस पर एक टीजर लॉन्च किया गया जो कि आप देख सकते हैं। तो अभी आपने देखा, ये एक्चुअली एक पोस्टर, इसे हम कह सकते हैं मोशन पोस्टर विद म्यूजिक। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो पबजी मोबाइल है वो अब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया हो चुका है और इसी नेम से हमारा ये गेम लॉन्च होने वाला है। तो अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा, यहाँ पे दो चीज़ें बिल्कुल हटा दी गई हैं। पहला तो यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है पबजी मोबाइल का, और दूसरी चीज़ जो टेंसेंट था वो भी बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे जो चीज़ मेंशन है वो क्राफ्टन मेंशन है और वहाँ पे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब ये कम्प्लीटली इंडियन सर्वर पर चलेगा। यहाँ पर बहुत कुछ ध्यान रखा गया इंडिया को लेकर, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सब कुछ इसे फॉलो कर रहे हैं ये लोग अच्छे से, ताकि गवर्नमेंट का अच्छे से अप्रूवल रहे इस पर और कोई भी दिक्कत ना इनके गेम को अच्छे से लॉन्च करने में। और जो इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए जाएंगे, अब हो सकता है ये ग्लोबल वर्जन नहीं है तो इसमें थोड़ा बहुत अंदर भी चेंजेस आ जाएँ, और हो भी सकता है कि आपका वही अकाउंट यूज़ हो इसमें, या फिर अब ये कम्प्लीटली डिफरेंट सर्वर है, यहाँ पर सब कुछ अलग ही रहेगा डेटा वगैरह, तो हो सकता है आपको न्यू आईडी भी बनानी पड़ जाए। लेकिन ये गेम अच्छे से वर्क करेगा, पिंग वगैरह का भी कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और अभी इसके पहले प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, उसके बाद ये ऑफिशियली सबके लिए रिलीज़ कर दिया जाएगा।